मानव वेलकम टू मूवी शो भी। चलो जी गदर 2 देखने जा रहे हैं। कन्वीनियंट टाइम पे जा रहे हैं, सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं, कोई एक वर्जन देख चुके हैं। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मजा आने वाला है। और देखते हैं फिर किस तरीके की उनको पसंद आती है कि नहीं आती है। अभी जो लोग हैं और जितना भी मैंने देखा जब मैं गाया, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मतलब सीटियाँ ही बजते चली जा रही थी डायलॉग्स पे। नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ गई। ये अलग तरीके की मूवी होती है, इनको ऐसे जज नहीं कर सकते कि इसकी कितनी अच्छी बनी है। ये होता है कि किस तरीके से पब्लिक का रिस्पांस आ रहा है। तो इसमें मेकिंग जो होती है, अगर आप इसके रेटिंग मतलब 6, 7, 8 भी दे दोगे कि एक्चुअल मेकिंग क्या थी, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसके अंदर सेंटिमेंट ज़्यादा काम करते हैं, और जो कि कर ही रहे हैं। कल 40 करोड़ रुपए आए और आज शायद आपको एक बहुत ही बड़ी मैजिकल फिगर देखने को मिल जाए, विच इज़ 50 करोड़ रुपीज़। अब हम आज बात क्या करने वाले हैं, इसके अलावा गदर तो गदर मचा ही रही है। भोला शंकर का कल का बॉक्स ऑफिस जो ओपनिंग डे था वो रह गया था, और थोड़ी सी डेटेड फिल्म ये लग रही है। और जिस तरीके से इसके एग्जीक्यूशन भी है, वैसा लग रहा है कि चिरंजीवी साहब को बिल्कुल ही यंगस्टर ही बना दिया है, तो वो जवान नहीं किसी को भी ज़्यादा। तो आज जो कलेक्शन आने वाली है वो लगभग आएगी 12 से 13 करोड़ रुपए। और कल जो आई थी कलेक्शन, वो तो मेरा दिमाग ही हिला दिया कि ये कैसे हो गया। मैंने 10 करोड़ रुपए इसके एंटिसिपेट करे थे, 20 करोड़ इट हैज़ डन। 20 करोड़, मतलब 20 करोड़, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ मुझे कि ये इस तरीके की मूवी कर देती है। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव चीज़ अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूँ, तो लोगों को अपने आर्टिस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा हो गया था कि चलो ठीक है, आपने जो भी किया होगा, मन से किया होगा, कोशिश तो करिए, हम आपको फर्स्ट डे वाला जो शो है उसके लिए और पहले दिन तो पूरा का पूरा आपके साथ देंगे, उसके बाद जिस तरीके की मूवी निकलेगी फिर हम देखते हैं। तो बहुत ही एक पॉजिटिव स्ट्रीम है जो मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा के अंदर आ रही है, वो आनी चाहिए और ज़्यादा आनी चाहिए। और ताकि जो ओपनिंग है वो लगे हम सिर्फ स्टार देख लेते हैं, उसके अंदर एक बहुत सारे लोग और मेहनत लगती है मूवी को बनाने के लिए। बाकी ओ माई गॉड के अंदर भी बहुत बड़ा जम्प आने वाला है। ये सारी मूवीज़ को मैं रात को कवर करूँगा कि क्या कुछ हुआ इसका, और बहुत सारी चीज़ें और रिलीज़ होंगी आज OTT के ऊपर, उसके ऊपर भी देखता हूँ क्या क्या रिलीज हुआ है और क्या क्या आपके साथ शेयर कर सकते हैं चीज़ें। आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, मैजिकल फिगर 50 शायद हो सकती है गदर की। अगर हो जाएगा तो फिर हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड अगेन। 50 का नंबर इन अ सिंगल डे इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और भोला शंकर भी, मतलब ये सारी जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं स्टार पावर की वजह से, ये कोई भी ऐसी तो नहीं होने वाली कि पूरी वैल्यू चेन के अंदर कोई भी किसी को भी घाटा होगा। तो मिलते हैं और अपडेट के साथ। मेरा जो शो है एग्जैक्टली 9:30 बजे के आसपास शुरू होगा, और 9:30 बजे का मतलब ये समझ लीजिए कि एग्जैक्टली 2.5-3 घंटे के बाद मैं आपके साथ एक गदर 2 का रीलोडेड स्पॉइलर रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। बाय बाय।